13 फरवरी को फिर एक बार किसान अपनी मांगों को लेकर मैदान में उतरे। एमएसपी पर कानून बनाने के साथ अपनी अन्य मांगों को लेकर आंदोलनकारी किसानों ने दिल्ली चलो मार्च का ऐलान किया है। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के किसानों ने राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन की पूरी तैयारी कर ली है। हजारों की संख्या में किसान ट्रैक्टर लेकर अम्बाला के शंभू बॉर्डर पहुंचे। एक तरफ किसान अपनी मांग को लेकर अडिग है, आंदोलन कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ इस आंदोलन का असर पूरे दिल्ली एनसीआर में देखने को मिल रहा है। आंदोलन की घोषणा के बाद दिल्ली से सटी सीमाओं को सील कर दिया गया है। सिंधु, टिकरी समेत अन्य बॉर्डर पर निगरानी बढ़ा दी गई है। सिंघू बॉर्डर पर भारी बैरिकेडिंग के साथ दिल्ली की तरफ आने वाले वाहन भी कछुए की गति से चलते नजर आए। टिकरी बॉर्डर पर पुलिस चेकिंग और बैरिकेडिंग के बीच गाड़ियों की लंबी कतारें देखी गई। गुरुग्राम दिल्ली नेशनल हाईवे पर सुबह 7 बजे से ही गाड़ियों की लंबी कतारें देखी गई। ऐसा ही हाल गाजीपुर बॉर्डर पर भी देखा गया। यहां भी पुलिस ने लिंक सड़कों को बंद कर दिया है। लोगों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। किसानों के दिल्ली कूच के चलते सिंघू बॉर्डर पर रात में सीमेंट के कई नए बैरिकेड्स भी लगाए गए। सीमा पूरी तरह से सील है। दिल्ली से हरियाणा और हरियाणा से दिल्ली आने जाने वाले लोगों को भारी परेशानी हो रही है। लोग पैदल ही कई किलोमीटर तक का सफर कर रहे हैं। पुलिस लगातार किसानों को रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन इसके बाद भी किसान आगे बढ़ रहे हैं। 13 फरवरी को पुलिस ने ड्रोन के जरिए आसमान से आंसू गैस के गोले बरसाए। इस समय शंभू बॉर्डर पर हालात गंभीर बने हुए हैं। किसानों के दिल्ली चलो मार्च के मद्देनजर कानून व्यवस्था बनाए रखने के उपाय के रूप में हरियाणा के जींद में कंक्रीट स्लैब, लोहे की कीलें, बैरिकेड्स, कंटीले तार, पुलिस और अर्धसैनिक बल के जवान तैनात किए गए हैं। पुलिस ने कई किसानों को हिरासत में भी लिया है। बता दें कि साल 2021 में किसान एमएसपी की मांग को लेकर दिल्ली के बॉर्डर पर धरने पर बैठे थे, जिसके बाद मोदी सरकार को किसानों के आगे घुटने टेकने पड़े थे और संसद से पारित 3 कृषि कानूनों को रद्द करना पड़ा था। आंदोलन के बाद सरकार ने न सिर्फ कानूनों को रद्द कर दिया बल्कि एमएसपी पर गारंटी देने का वादा किया था। सरकार के वादे के बाद ही किसानों ने आंदोलन वापस ले लिया था, लेकिन अब किसानों का कहना है कि सरकार ने एमएसपी को लेकर अपने वादे पूरे नहीं किए। अब किसानों की मांग है कि सरकार की तरफ से जिन मांगों को पूरा करने का भरोसा दिया गया था उन्हें तुरंत पूरा किया जाए। इसमें साल 2021-22 के किसान आंदोलन में जिन किसानों पर मुकदमे दर्ज किए गए थे उन्हें रद्द करने की मांग भी शामिल है।